हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एंड IIT लिमिटेड की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि यहाँ पे क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड के रिजल्ट्स है। कंसोलिडेटेड और स्टैंडर्ड लोन दोनों के रिजल्ट्स पेश हो चुके हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको स्टैंडर्ड लोन फिनेंशियल रिजल्ट शो कर रहे हैं मिलियंस में नंबर से। इनकम यहाँ पे 160 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर 152 करोड़ था और सितंबर 21 क्वार्टर में 166 करोड़ का इनकम था। इस बार की इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के इनकम में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 18 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 8 करोड़ था, सितंबर 21 क्वार्टर में 51 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो तेजी है, बट ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डाउन देखने को मिला है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा डाउन होती हुई नज़र आई है। और ये प्रॉफिट्स में डाउन होने का सबसे बड़ा कारण है गाइस कंपनी का, यहाँ पे पहला कारण है इनकम, जो कि यहाँ पे लैक्स, यहाँ पे अराउंड 58 लैक्स का इनकम में गिरावट आई। और दूसरा कारण है गाइस यहाँ पे एक्सपेंसेस, कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ प्रॉफिट्स में गिरावट आई, क्योंकि 140 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है, जबकि पिछले साल यहाँ पे 107 करोड़ का एक्सपेंसेस था, जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट्स में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। अब हम EPS की बात करें तो 1.36 रुपीज़ का EPS है, जो कि पिछले क्वार्टर से तो तेजी है, बट पिछले साल से यहाँ पे डाउन है। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा एक्सपेंसेस के कारण ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई, अदरवाइज कंपनी ने यहाँ पे स्टैंडर्ड बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया है। अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करें, मिलियंस में नंबर्स दिए गए। इनकम यहाँ पे 406 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 410 करोड़ था, सितंबर 21 क्वार्टर में 330 करोड़ का इनकम था। कंपनी का जो इनकम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो ये बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के इनकम में तेज़ी देखने को मिला है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आया है 41 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 46 करोड़ था, सितंबर 21 क्वार्टर 52 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर में दोनों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। और दूसरा कारण है इनकम में गिरावट आना, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम में गिरावट आई, और यहाँ पे प्रॉफिट्स एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुए 351 करोड़ का, जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट्स में गिरावट आई है। EPS 2.94 रुपीज़ का है, पिछले क्वार्टर पिछले साल कंपनी में बहुत ज़्यादा डाउन है। तो ओवरऑल कंपनी यहाँ पे बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया, उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं किया। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा बेटर रिजल्ट पेश किया, लेकिन कंसोलिडेटेड यहाँ पे बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया। तो गाइज अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।